दोस्तों रिसेंटली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ रमीज राजा ने कंसर्न वे में इस बात की आशंका जताई कि यदि इंडिया ने चाहा तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आने वाले समय में कोलैप्स हो सकता है। पाकिस्तान इंटर प्रोविंशियल अफेयर्स की सेनेट स्टैंडिंग कमेटी के सामने अपीयर होते हुए रमीज राजा ने ICC की फंडिंग सोर्स का रेफरेंस देते हुए अपना ये डर पाकिस्तान की जनता के सामने व्यक्त किया। रमीज राजा ने ICC को एशियन और वेस्टर्न ब्लॉक्स के बीच डिवाइडेड एक पॉलिटिसाइज बॉडी बताया, जिसकी 90% फंडिंग इंडिया द्वारा की जाती है। ICC इन फंड्स को सारे क्रिकेट बोर्ड्स में क्रिकेट के प्रमोशन के लिए डिवाइड करता है और PCB अपने 50% से ज़्यादा ऑपरेशन फंड्स के लिए इन्हीं रेवेन्यूज पे डिपेंड करता है। यदि इंडिया ने चाहा तो आने वाले सालों में PCB को डाइवर्ट किए गए इन फंड्स को रेस्ट्रिक्ट कर सकता है, जिससे PCB कोलैप्स कर जाएगा। दोस्तों पाकिस्तान द्वारा जताए गए इस डर का कारण जानना हमारे लिए आज चर्चा का विषय है। आज इस डिस्कशन के माध्यम से हम देखेंगे कि क्या ये सच है कि इंडिया आज BCCI की मदद से अपनी डिप्लोमेसी स्पोर्ट्स में भी एक्सटेंड कर सकता है, और यदि ऐसा हो सकता है तो किन कारणों से इंडिया आज क्रिकेट वर्ल्ड में एक हेजिमोनियल पावर बनके उभरा है। आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका Study IQ में। दोस्तों इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसे ICC कहते हैं, ये क्रिकेट को गवर्न करने के लिए एक इंटरनेशनल बॉडी है। 1909 में इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के तौर पे गठित की गई इस संस्था में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के रिप्रेजेंटेटिव्स थे। 1965 में इस संस्था का नाम इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस रखा गया, जिसे आगे चलकर 1987 में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कर दिया गया। ICC के हेडक्वार्टर्स दुबई में स्थित हैं। 105 मेंबर नेशन से बनी इस संस्था में 12 फुल मेंबर्स हैं जो टेस्ट मैचेस खेलते हैं और 94 एसोसिएट मेंबर्स हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप और T20 वर्ल्ड कप के अलावा ICC क्रिकेट के मेजर इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स को ऑर्गेनाइज और गवर्न करती है। दोस्तों ICC अपनी इनकम क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे इवेंट से अर्न करती है। किसी इंटरनेशनल मल्टीलेटरल इवेंट के स्पॉन्सरशिप और टेलीविजन राइट्स को सेल कर ICC अपने मेजोरिटी ऑफ रेवेन्यूज जनरेट करती है। यदि किसी चैनल को ICC इंटरनेशनल इवेंट्स को ब्रॉडकास्ट करना है तो इसके लिए उसे ICC से ये राइट्स परचेज करने पड़ते हैं। सिमिलरली एडवर्टीजमेंट के लिए यदि कोई ब्रांड ICC इवेंट्स को स्पॉन्सर करना चाहता है तो उसे एक फीस सबमिट करनी पड़ती है। इन राइट्स को सेल कर ICC ने 2007 से 2015 के बीच $1.6 बिलियन जनरेट किए थे। दोस्तों क्रिकेट की फैन फॉलोइंग यदि देखी जाए तो जहां मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज जैसे USA, फ्रांस, चाइना, जर्मनी दूसरे स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, वहीं साउथ एशिया की कंट्रीज, स्पेशली वो जो पास्ट में ब्रिटिश कॉलोनीज रही हैं, वहाँ क्रिकेट का डोमिनेंस है। इंडियन कंट्रीज में एक जॉइंट मार्केट है। क्रिकेट के ह्यूज फॉलोइंग बेस और इंडिया के लार्ज पॉपुलेशन के कारण ICC इवेंट्स में इंडिया की दिलचस्पी रहती है, जिससे इंडिया में ब्रॉडकास्टिंग राइट सेल करना ICC के लिए ह्यूज रेवेन्यू जनरेट करने का सोर्स है। सिमिलरली ज़्यादातर मल्टीनेशनल ब्रांड्स इंडिया में अपने प्रोडक्ट्स सेल करना चाहते हैं, जिसके कारण स्पॉन्सरशिप भी इंडिया के रेफरेंस में की जाती है। यदि आप एक क्रिकेट लवर हैं तो आपने बहुत कम या शायद ऐसा देखा ही ना हो कि ICC स्पॉन्सरशिप किसी ऐसे ब्रांड ने की थी जिसका इंडिया में रेलेवेंस नहीं हो। इन्हीं कारणों से ICC के टोटल अर्निंग का 75-80% इंडियन मार्केट से जनरेट होता है। यदि किसी सीरीज में इंडियन टीम अच्छी परफॉर्म करती है तो उसका सीधा इम्पैक्ट ICC के रेवेन्यूज पे देखा जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे जब इंडिया ने 2011 वर्ल्ड कप जीता था तो ICC के लिए ये कमर्शियल सक्सेस बना था। सिमिलरली यदि किसी सीरीज में इंडिया अर्ली स्टेज में बाहर निकल जाती है तो व्यूअरशिप में एक शार्प डिक्लाइन देखा गया है। दोस्तों ये कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहां इंडियन पॉपुलेशन देश के लिए बूंद साबित होती है। आज ICC इवेंट्स के टेलीविजन मार्केट शेयर का 75% इंडिया अकेले कवर करता है। इसके अलावा क्रिकेट रेवेन्यू का 80% भी इंडिया द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाता है। समय के साथ, स्पेशली आफ्टर 2000, इन कारणों ने इंडिया की ICC के ऊपर एक कंट्रोल सी एस्टैब्लिश कर दी है, जिसकी लेवरेज का फायदा BCCI द्वारा यूज किया जाता है। आइए कुछ एग्जांपल्स द्वारा इंडिया के हेजिमनी को समझते हैं। दोस्तों बीते कुछ वर्षों में ऐसे कई इवेंट्स हुए हैं जहां ICC को BCCI के आगे झुकना पड़ा है। इन इवेंट्स में सबसे बड़ा एग्जांपल है DRS का। दोस्ततों डिसीजन रिव्यू सिस्टम या DRS ICC द्वारा 2008 में इंट्रोड्यूस किया गया एक नया रूल था, जिसे मैंडेटरी तौर पे मैचेस में अप्लाई करने की प्लानिंग थी। इस टेक्नोलॉजी के समर्थन में ऑलमोस्ट सारे क्रिकेट प्लेइंग नेशंस थे, लेकिन BCCI द्वारा अपोज किया जाने पर ICC को अपना स्टैंड बदलना पड़ा। ICC ने DRS के रूल्स बदलते हुए इसे नॉन मैंडेटरी डिक्लेयर किया।
जिससे किसी सीरीज या टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने वाली टीम्स के कंसेंसस के बाद ही अप्लाई किया जा सकेगा। दोस्तों अगला इवेंट है 2008 सिडनी टेस्ट, जिसे बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी सीरीज के अंडर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जा रहा था। इस मैच के दौरान हरभजन सिंह ने एंड्रयू साइमंड्स को रेशियली अब्यूज किया था। ये इंसिडेंट आगे चलकर मंकी गेट कॉन्ट्रोवर्स हुआ। इस रेसिस्ट रिमार्क के लिए हरभजन सिंह को 3 मैचेस के लिए ICC द्वारा सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन जब BCCI ने इसके अगेंस्ट सीरीज से एग्जिट करने की धमकी दी तो ICC को अपने इस फैसले को बदलना पड़ा। इंडिया के एग्जिट करने से होने वाले रेवेन्यू लॉसेस से बचने के लिए ICC ने हरभजन सिंह की सस्पेंशन कैंसिल कर दी और एक नॉमिनल फाइन के साथ मामले को रफा दफा कर दिया। दोस्तों 2008 की इसी सीरीज के दौरान जब अंपायर स्टीव बकनर ने इंडिया के अगेंस्ट कई इनकरेक्ट डिसीजंस दिए थे तो BCCI के प्रेशर के अंडर उन्हें नेक्स्ट शेड्यूल मैचेस की अंपायरिंग से रिमूव कर दिया गया था। 2011 में भी अंपायर डार्ली हार्पर को BCCI द्वारा क्रिटिसिज्म के कारण गेम से रिटायर करना पड़ा था। हार्पर ने इंडिया वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज के दौरान इंडिया के अगेंस्ट कई इनकरेक्ट डिसीजंस दिए थे। दोस्तों इस डोमेन में हमें इंडियन हेजमनी की हाइट तब देखने को मिली जब IPL होस्टिंग के दौरान ICC ने इसे एक सेपरेट विंडो प्रोवाइड किया था। 2020 में जब कोविड रिलेटेड सेफ्टी रीजंस के कारण T20 वर्ल्ड कप पोस्टपोन कर दिया गया था, उस दौरान ICC ने IPL को ध्यान में रखते हुए एक सेपरेट विंडो प्रोवाइड की थी। IPL जैसे डोमेस्टिक इवेंट को भी इंटरनेशनल क्रिकेट कैलेंडर में एक सेपरेट विंडो प्रोवाइड करना BCCI की हेजमनी को क्लियरली शो करता है। इस विंडो के तहत पूरे IPL के दौरान ICC किसी दूसरे इंटरनेशनल इवेंट को ऑर्गेनाइज नहीं करता है, जिससे क्रिकेट प्लेयर्स इस इवेंट में फ्रीली पार्टिसिपेट कर सके। इन इवेंट्स के अलावा 2014 में BCCI ने इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर बिग थ्री का फॉर्मेशन प्रपोज किया था, जिसने कंट्रीब्यूशन बेस्ड रिवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को अप्रूव किया था। दोस्तों ICC द्वारा कलेक्टेड रिवेन्यूज को अपने अंडर रजिस्टर्ड क्रिकेट बोर्ड्स को ग्रांट के तौर पर देती है, जिससे क्रिकेट प्रमोट किया जा सके। इस ग्रांट मेथड में कई कॉम्प्लिकेशंस थे, जिसके अगेंस्ट समय समय पे क्रिकेट बोर्ड्स द्वारा नाराजगी जताई गई। इंडिया तब ICC के 70% से ज़्यादा रेवेन्यूज कंट्रीब्यूट कर रहा था और आने वाले 2015 से 2023 राइट साइकिल में $570 मिलियन के शेयर्स गेन करने की प्लानिंग थी, जिसके लिए इंडिया ने बिग थ्री मॉडल प्रपोज किया था। 2017 में ICC ने बिग थ्री मॉडल को ऑल दो डिसमेंटल कर दिया था, लेकिन कोविड के बाद इंडिया अपने फाइनेंशियल लॉसेस को मेकअप करने की न्यू स्ट्रेटजीज प्लान कर रहा है। इन स्ट्रेटजीज में बिग थ्री मॉडल को रिवाइव करना प्रोमिनेंट है। दोस्तों इन इवेंट्स ने ICC के ऊपर इंडियन हेजमनी को क्लियरली शो किया है, जिससे दुनिया समेत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी कि PCB ने भी विटनेस किया है। लेकिन क्या इंडिया अपनी हेजमनी का फायदा उठाकर पाकिस्तान को पनिश कर सकता है? आइए समझते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। दोस्तों पिछले सेक्शन में हमने देखा कि कैसे रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन के कारण इंडिया ICC में अपनी हेजमनी बनाने में कामयाब हुआ है। वर्ल्ड की सारी क्रिकेट बोर्ड्स इसी रेवेन्यू के कारण इंडिया के साथ मैचेस खेलने को उत्सुक रहती हैं। यदि किसी क्रिकेट बोर्ड को फंड क्रंच झेलना पड़ता है तो इस केस में इंडियन टीम के साथ मैचेस ऑर्गेनाइज करना रेवेन्यूज का एक ऑप्टिमम सोर्स बनकर उभरता है। दोस्तों ये सिचुएशन इंडिया को क्रिकेट वर्ल्ड में सिग्निफिकेंट लेवरेज प्रोवाइड कर सकती है। इंडिया अपने चॉइसेस के थ्रू इस बात का डिसीजन ले सकता है कि किस क्रिकेट बोर्ड से BCCI को टर्म्स इम्प्रूव करने हैं और किस बोर्ड के साथ नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर पाकिस्तान द्वारा इंडिया में प्रमोटेड टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के कारण इंडिया ने पाकिस्तान के साथ किसी तरह का रिलेशन रखने से इनकार कर दिया है। इसमें स्पोर्ट्स भी शामिल हैं। यदि ग्लोबल लेवल पे इसे देखा जाए तो इंडिया ने अभी तक इस मुद्दे को बायलेटरली ही डील किया है, लेकिन पाकिस्तान की अलग नैरेटिव है। रिसेंटली न्यूजीलैंड टीम ने जब सिक्योरिटी रीजंस का हवाला देते हुए अपनी पाकिस्तान के साथ प्लान्ड सीरीज अब्रप्टली कैंसिल कर दी तो पाकिस्तान ने इसका ब्लेम इंडिया पे लगाया। पाकिस्तान का कहना था कि न्यूजीलैंड ने यह स्टेप इंडिया के इन्फ्लुएंस में आकर किया है। दोस्तों सच ये है कि इंडिया ने स्पोर्ट्स वर्ल्ड में ऐसा कोई स्टेप आज तक नहीं किया है, लेकिन पाकिस्तान के रवैये को देखते हुए इंडिया अपने स्टैंड को बदल सकता है। हर छोटे इवेंट को लेकर इंडिया पे उठाई गई उंगली पाकिस्तान को बैक फायर कर सकती है। इंडिया यदि चाहे तो सीधे तौर पे उन क्रिकेट बोर्ड्स को आइसोलेट कर सकता है जो पाकिस्तान के साथ क्लोजनेस इंक्रीज करें। इंडिया के इस स्टैंड से होने वाले रेवेन्यू लॉसेस और पाकिस्तान की इमेज को देखते हुए इस बात की पूरी संभावना है कि कोई भी क्रिकेट टीम इंडिया के अगेंस्ट स्टैंड नहीं लेगी, लेकिन इंडिया के मिडिल वे अप्रोच को देखकर इस बात की संभावना काफ़ी कम है, एटलीस्ट जब तक पाकिस्तान इंडिया को ऐसे स्टेप्स लेने को मजबूर ना करे। इसके अलावा ICC द्वारा पाकिस्तान को दिए जाने वाले फंड्स डायरेक्ट इंडिया से ट्रांसफर नहीं होते,
जिससे इन पर BCCI का कंट्रोल ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। लेकिन बिग थ्री मॉडल या ऐसे किसी सिमिलर स्ट्रेटजी के तहत इंडिया यदि चाहे तो पाकिस्तान बोर्ड को मिलने वाले फंड्स को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकता है। रमीज राजा अपने स्टेटमेंट में इन्हीं थ्रेड्स की बात कर रहे थे, लेकिन अपने स्टेटमेंट में वो इस बात को बताना भूल गए कि यदि पाकिस्तान अपनी टेररिस्ट सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ को रेस्ट्रिक्ट कर इंटरनेशनल पीस में कंट्रीब्यूट करे तो इंडिया, न्यूजीलैंड समेत वर्ल्ड की कोई भी कंट्री पाकिस्तान को आइसोलेट कर पनिश करने का डिसीजन नहीं लेगी। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि इंडिया आज इंटरनेशनल क्रिकेट डोमेन में अपनी हेजिमनी बनाने में कामयाब हो चुका है, लेकिन इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल पावर है जिसने हमेशा अपने हर स्टैंड को बहुत सोच समझ कर लिया है। यदि करेंट सिचुएशन की बात करें तो इंडिया ने ना तो न्यूजीलैंड को किसी तरह से सीरीज अबेंडन करने के लिए पुश किया है, ना ही PCB की फंडिंग को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए ICC को फोर्स किया है। इमरान खान द्वारा लेड पाकिस्तान गवर्नमेंट द्वारा विक्टिम कार्ड प्ले करना वर्ल्ड पावर्स के लिए आज एक कॉमन बात बन चुका है, जहां वो इंडिया का फियर दिखाते हुए वर्ल्ड सपोर्ट की और सिंपैथी की उम्मीद करता है। लेकिन आज वर्ल्ड पावर समेत पाकिस्तानी सिटीजन भी इस बात को समझ चुके हैं कि ये धोखा उनकी गवर्नमेंट द्वारा अपनी नाकामी छुपाने के लिए किया जाता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जरूरत है कि वो अपने डोमेस्टिक अर्निंग्स पे फोकस करें, जिससे डे टू डे ऑपरेशंस के लिए पाकिस्तानी टीम को ICC फंड्स पे डिपेंड ना करना पड़े। साथ ही जब तक पाकिस्तान टेररिज्म और नॉन स्टेट एक्टर्स का यूज करना बंद नहीं कर देता, इंडिया, न्यूजीलैंड समेत किसी दूसरी कंट्री द्वारा भी पाकिस्तान को कम्युनिटी में एक्सेप्ट करना कठिन होगा। दोस्तों, आपके हिसाब से क्या कोई ऐसा और भी इवेंट है जहां पे BCCI ने अपनी हेजमनी दिखाते हुए वर्ल्ड की दूसरी नेशन के क्रिकेटिंग बोर्ड्स को चैलेंज किया हो? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।